इम्पैक्ट एंड ट्रेंड्स की बात करते हैं। ट्रेंड इज कि आज तक पॉपुलेशन ग्रोथ किस पैटर्न पे हुई है। ट्रेंड की बात करेंगे हम तो हमें पता है इन अर्ली स्टेजेस व्हेन एग्रीकल्चर जस्ट डेवलप्ड पॉपुलेशन कितना था अराउंड 8 मिलियन। फिर हमने देखा फर्स्ट सेंचुरी एडी में पॉपुलेशन 300 मिलियन हो गया। फिर जब 16th एंड 17th सेंचुरी में पॉपुलेशन का रैपिड ग्रोथ हुआ, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मोर स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इस कदर बढ़ गई कि एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, पॉपुलेशन एक्सप्लोड होने लगी। तो इसमें हम देख सकते हैं पहले अर्ली स्टेजेस में सिर्फ 8 मिलियन थी, देन फर्स्ट सेंचुरी एडी में पॉपुलेशन 300 मिलियन हो गई, देन अचानक से रैपिड ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, एंड फाइनली जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक ट्रेंड है। पहले 8 मिलियन था, फिर 300 मिलियन हुआ। इसे ऐसे ले सकते हैं, पहले 800 मिलियन ग्राफ पे ऐसे ले सकते हैं, 800 मिलियन था, फिर 300 हुआ, फिर अचानक से रैपिड ग्रोथ हुआ एंड एक्सप्लोजन हो गया। इस तरह से पॉपुलेशन ग्रो करी। तो ये ट्रेंड्स हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। पॉपुलेशन का ग्रोथ का इम्पैक्ट सीधे रिसोर्स पे पड़ता है। कंट्री का रिसोर्स कम होने लगता है, अब कम लोग होंगे कम रिसोर्स यूज करेंगे, जितना ज्यादा लोग बढ़ेंगे रिसोर्सेज का उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा। अब ऐसा होता है कि रिसोर्सेज कम पड़ जाती हैं और लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो रिसोर्स का डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है, रिसोर्स ख़त्म होने लग जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ का कि जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ करती है वैसे ही रिसोर्सेज का डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है एंड लोगों को कम रिसोर्सेज में अपना काम चलाना पड़ता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है जिसमें हमें पता चलता है कि फ्यूचर में, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ग्रोथ रेट क्या होगा। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बर्थ रेट
और डेथ रेट से अफेक्ट होता है. हमें पता चलता है कि पहले लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट था, उससे हमने हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट की सोसाइटी में हमने यहाँ से यहाँ मूव करा. जब हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था, हमने उस सोसाइटी से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट की सोसाइटी में एंटर किया. ये कुछ स्टेजेस में हुआ. लो हाई डेथ रेट और बर्थ रेट को लो डेथ रेट और बर्थ रेट में होना स्टेजेस में हुआ, जिनको हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेजेस कहा. जो स्टेजेस इस शॉर्ट डायग्राम में विजिबल हैं, ये पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है एंड ये तीसरा स्टेज. अब इन स्टेजेस में हुआ क्या? फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? हाई मॉर्टेलिटी थी, लोग ज्यादा मर रहे थे. हाई फर्टिलिटी थी, लोग रिप्रोड्यूस भी बहुत कर रहे थे. क्योंकि लोग मर रहे थे फेमीन की वजह से, डिजीज़ की वजह से, वॉर की वजह से. टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव नहीं थी कि वो डेथ पे कंट्रोल पा सकें. डेथ को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने रिप्रोडक्शन किया एंड फर्टिलिटी भी बढ़ गई. बट टेक्नोलॉजिकल स्टेट बहुत लो था. एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे. लिटरेसी बहुत कम थी. दीज वर द फैक्टर्स ड्यू टू विच पॉपुलेशन ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस much in this stage and it was like this. Then in the second stage, fertility high rahi initial stages mein. Shuru mein fertility high rahi but improvement hua disease control mein. Disease control mein improvement hua, मेडिकल फैसिलिटीज़ में कंट्रोल हुआ, लोग थोड़ा लिटरेट होना शुरू हुए, लोग पढ़ना शुरू किए और एग्रीकल्चरल सोसाइटी में डेवलपमेंट हुआ तो लोगों का फर्टिलिटी रेट भी कम हो गया. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद फर्टिलिटी रेट भी कम हो गया और मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो गया. तो इसमें सेकेंड स्टेज हुआ क्योंकि ये कम हो गया. अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ? हाई टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट. टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गई. लोग बहुत ज़्यादा लिटरेट थे, उन्हें पता था टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है एंड मॉर्टेलिटी और फर्टिलिटी रेट, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट, लो थे. बिकॉज पीपल नो हाउ टू कंट्रोल द फैमिली साइजेस, सो दे केम टू दिस स्टेज. द पॉपुलेशन डिड नॉट ग्रू सो मच बट स्टिल इट इज ग्रोइंग बट नॉट एट दैट रेट. So these are the three stages of demographic transition. First stage when high mortality and fertility, literacy बहुत कम थी, agricultural society थी and low technological development था. Second stage fertility high थी initially but नई medical facilities की वजह से fertility rate भी कम हो गया and mortality rate भी कम हो गया. Improvement in sanitation facilities हुआ and second stage took place. एंड फाइनली द थर्ड स्टेज, जब हाई टेक्नोलॉजी थी, लोग बहुत लिटरेट थे एंड उन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एंटर किया, तो वो थर्ड स्टेज था. And last part is population control. It was by family planning.
अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पॉपुलेशन को किस तरह कंट्रोल करना था, थ्रू फैमिली प्लानिंग, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड टैक्स डिसइंटेंसिव्स ऑन लार्ज फैमिलीज. सो दिस वाज ऑल अबाउट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड हियर वी एंड विद द चैप्टर.